फ्यूजन नहीं है, फ्यूजन में तो मतलब मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग नहीं है, जो गुजराती है गुजराती है, जो राजस्थानी है गुजराती है, बस हमने एक कम्बाइंड थाली बनाई है जिसमें राजस्थानी और गुजराती दोनों का एलिमेंट है, दोनों चीज़ें उसमें ऐड करी है हमने, कुछ डिशेज राजस्थान की ऐड करी हैं, जैसे दाल बाटी चूरमा राजस्थान की बड़ी फेमस डिश है, गट्टा करी हो गई, फिर गुजरात में चले जाएँ तो वहाँ का एक पांखी बड़ी फेमस है, फिर बाजरे का खिच्चू, तो इस तरह की हमने मिक्स करी हैं चीज़ें ताकि जो गेस्ट है उनको एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिले फ्लेवर्स। ने काफ़ी चीज़ें स्टार्ट करी हैं, जैसे हम अपना अभी पंजाबी फूड प्रमोशन भी करेंगे, आई थिंक इस जून के लास्ट वीकेंड में हमारा प्लान है कि हम राजस्थानी अपना फूड प्रमोशन ख़त्म होते ही पंजाबी फूड फेस्टिवल शुरू करेंगे। अब जैसे T20 वर्ल्ड कप ऑलरेडी स्टार्ट है तो हमने उसके लिए भी प्रमोशंस निकाले हैं, और भी जैसे अभी फादर्स डे आएगा, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे आएगा, ईद आएगी इसी महीने में जून में, तो इस जून महीना काफ़ी हैपनिंग है, तो हर इवेंट के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास प्लानिंग है, फूड ऑफर्स हैं, बेवरेज में ऑफर्स हैं, तो मतलब हम ये चाहते हैं कि ये पूरा एक महीना में कैपिटलाइज करें और जो भी गेस्ट यहाँ आएँ उनको मसूरी आके भी होता, जैसे शहर में होता है ना लोगों को वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो उनको यहाँ पे आके वो मिस ना करें, उनको वैरायटी मिले। उत्तराखंड के लिए तो सर हम करते ही रहते हैं, बेसिकली हम गढ़वाली थाली हमारे मेन्यू में ऑलरेडी है, फिर हमारी अभी MD आई थी कुछ टाइम पहले, तो उन्होंने स्पेशली बोल के गई हैं कि आप यहाँ के खाने को प्रमोट कीजिए, तो एक यहाँ का जो जखिया होता है वो उन्होंने टेस्ट किया, फिर भांग जीरे की चटनी टेस्ट करी, उन्हें बड़ी पसंद आई, तो बोल के गई हैं कि आप अपने मेन्यू में डालिए। हमारी कंपनी का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है अभी ग्रेटर नोएडा में, बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर आ रहा है, उसमें 4-5 रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, बैंकवेटिंग आ रही है, तो उन्होंने कहा है कुछ डिशेज यहाँ के जो यहाँ का मिलेट्स है, यहाँ के स्पाइसेज हैं, उनसे कुछ क्रिएट कीजिए और वहाँ के मेन्यू में डालिए। तो अब आइडिया वही है हमारा कि जो यहाँ पे हमारा अवेलेबल है उत्तराखंड में सामान, उसको हम उससे कुछ क्रिएट करें और दिल्ली तक लेके जाएँ उसको, मतलब ताकि, क्योंकि वहाँ पर सारा कॉर्पोरेट क्लाइंट आता है, कॉर्पोरेट क्लाइंट को अभी खाली वही को कमर्शियल फूड ही पसंद है, पता है उन्हें बेसिकली, तो यहाँ पहाड़ का खाना अभी हम उनको मतलब इससे क्या होगा, यहाँ से वहाँ डिशेज जाएंगी तो उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी, टेस्ट उनका डेवलप होगा। कुल होंगे जब हम वहाँ मेन्यूज में चीज़ें डालेंगे तो ऑब्वियसली उसको बनाने के लिए लोग चाहिए, तो अब बनाने जैसे ये प्रॉपर पहाड़ी खाना होता है तो आपको, अब जैसे हमने एक लेडी रखी हुई है जो सुबह हमारे यहाँ पराठे बनाती है, तो जो वो बना सकते, वो हमने एक विलेज शहर करी है, तो वो मतलब शहर में नहीं मिलेगा आपको वो चीज़ें, तो जैसे अब हम वहाँ खोलेंगे आउटलेट तो ऑब्वियसली फिर हम यहाँ से किसी ना किसी को भेजेंगे जो वो खाना बनाएगा, तो रोज़गार तो होगा ही।